राम राम साहब, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल प्रो सिक्स रिएक्शन 2.0 में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पवन किंग मूवी के क्लाइमैक्स सीन नंबर 3 पे। मतलब ये मेन क्लाइमैक्स, हाँ। जो पवन किंग में जो युद्ध चल रहा है मराठों और मुगलों के बीच, मतलब मुगलों की तो पूरी की पूरी फौज है और मराठे है सिर्फ 300, मतलब ये बहुत ही बड़ी लड़ाई चल रही है। और इसमें जब हमने लास्ट सीन जहाँ पे खत्म किया था वहाँ पे राय जी को भाला लग चुका है और अब उसके आगे का सीन है ये। तो सबसे पहले हम वीडियो देख लेते हैं, सीन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सूर्य मावळतीला पोहोचला, पण जणू सरत्या प्रहरातला मराठ्यांचा पराक्रम पाहिला तोही स्तब्ध झाला होता। झुंज सुरू होऊन आता तब्बल 9 घटिका उमटू लागल्या होत्या। शेर की तरफ सब तरीके से घिरे हुए थे, फिर भी ऐसा सूरमा जिंदगी में नहीं देखा कहीं, तारीफ रोकी नहीं जाती। रुस्तम है, इस्पंदियार है, दुश्मन है, यहाँ पे भी पीछे से हमला। सामने से मार ही नहीं सकते, ये पीछे से ही हमला कर सकता है। पण पुढे तर जावंच लागेल, तिथं घोडखिंडीत आमचे रायची बाजी फुलाची जीवाची झुंज देत आहेत, आता अडून चालणार नाही। चला महाराज, मी सांग तू काय करायचं। बोला कोयाची, बांधलाच्या रीत आहे लढायची, हीच रीत वापरून बांधलानं खिलजीला हरवलं होतं। वज्रवलय, जल्दी करा।
वज्रवलय। दादा, yeah।
तोफ नहीं जाए नहीं लगी पूरे नहीं जाऊँ जाना बिल्कुल थक चुके हैं एकदम लेकिन भी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे महाराज को भी कितनी चिंता है शिवाजी दूसरे किले पर ये शैतान इसे तो नहीं छोड़ेंगे जी प्रभु माझे बांधल आणि बांधल सेनेतले 300 वीर तब्बल 12 घटिका घोडखिंडीत झुंजले 40-40 घाव अंगावर चेलून हसत हसत स्वराज्याच्या मातीत मिसळले कासारीचा उगम त्यांनी स्वतःच्या रक्ताचं अर्घ्य देऊन पवित्र केला गाइस अभी कुछ बोलने से पहले एक बात मतलब करनी चाहिए क्या मूवी बनाई है मतलब दिग्पाल लांजेकर चिन्मय मांडलेकर मतलब हैट्स ऑफ उनके लिए इतनी कमाल की मूवी बनाई है और इतना मतलब ये सीन इतना इमोशनल करता है मतलब एक स्वामी भक्त और मतलब उनका स्वामी भी दोनों के मतलब प्रति आपस में जो लगाव और जो प्यार दिखाया गया मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को भी चिंता होती है कि जल्दी से जल्दी तोप छोड़ो उन्हें संदेश दो कि हाँ हम पहुंच गए हैं और वो भी वहां से निकल सके लेकिन वहां से अब कैसे निकलेंगे कि सारे सैनिक मतलब उनको मतलब जो वहां पे जितने लोग रुके हुए थे तो उनमें से लगभग सारे ही लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए छत्रपति शिवाजी महाराज को वहां तक सेफ पहुंचाने के लिए जो मतलब सामने जो सेना थी सिद्धि जौहर की उनको रोक के रखा और वो इतने क्रूर दिखाए है ना सच बताऊ ना कभी कभी आपको ये मूवी देख के ना कहीं पे गुस्सा आएगा उन कैरेक्टर्स के ऊपर गुस्सा आएगा क्योंकि और यही तो मतलब उनकी जीत हुई है कि हमें उनके ऊपर गुस्सा आया तो इसका मतलब ये कि उन्होंने एक्टिंग में इतना कमाल किया है ना और जब भी मैं मतलब इस पूरी मूवी में जब भी
बाजी प्रभु जब भी आए हैं ना, और ये स्पेशली ये वाले सीन जो भी हमने देखे हैं, उनके अंदर इनकी एक्टिंग मतलब कमाल की, ऐसा लग रहा था कि हम सच में उसी जगह पे पहुंच गए हैं। रियल स्टोरी है, हम ये नहीं बोल रहे कि बट उस स्टोरी में अगर किसी ने जान डाली है तो ये कैरेक्टर्स ये इतने रियल लग रहे हैं, इतने रियल लग रहे हैं कि आप मतलब लास्ट वाले सीन में तो आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, इतना इमोशनल सीन है। और ये तो बस एक मूवी है, असलियत में कैसा हुआ होगा वहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, मतलब किस तरीके से ये सिर्फ 300 मराठा मतलब सिर्फ 300 लोग और सामने मतलब पहले के लोग एकदम हष्ट-पुष्ट और ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन उनका मतलब दिल बहुत नरम होता था पहले जो भी योद्धा थे उनका। और इसमें भी मतलब इतने बुलंदी से लड़ते हैं, इतने खतरनाक तरीके से, एक एक मराठा मतलब 100-200 लोगों को मारे बिना गोली लगने के बाद भी फिर उठते हैं। वो जब एक दुश्मन है ना अपने दुश्मन की बड़ी करने लगते ना तारीफ, तो समझ लो कि वो कितना ऊपर होगा मतलब बंदा, कि दुश्मन भी बोल रहे कि यार ये मतलब इसकी अच्छा ही करते हुए मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, ऐसा योद्धा मैंने नहीं देखा। मतलब उनके पास ऐसा कोई योद्धा है ही नहीं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ऐसे योद्धाओं की कमी नहीं थी। मतलब ये इतनी बड़ी बात है, और जो कैरेक्टर किया है ना बाजी प्रभु का, बाजी प्रभु देशपांडे, सच में मतलब आपको गूज़बम्प्स आ जाएंगे। वो इतना लास्ट जो सुनाई देता है उसके बाद जब वो सब आके उनके ऊपर वार करते हैं, फिर वो इतना जोर से आवाज करके फिर हंसते हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने अपना काम पूरा करा। और उसमें ये भी दिखाया गया कितने घंटों युद्ध चला है, 40 से भी ज्यादा वार उनकी उनके शरीर पे होते हैं, घाव और गोली लगी हुई। ये होता है मतलब एक वीर योद्धा, वीर योद्धा की परिभाषा मतलब यही होती है कि वो कुछ भी हो जाए जो उन्होंने वचन दिया है अपने राज को, अपने राजा को। और उनके साथ जो उनकी टीम थी, जो सबसे पहला सीन हमने देखा था जब वो अपनी टीम को बोलते कि हमें मतलब आज स्वतंत्र लड़ाई लड़नी है और खून की आखिरी बूंद तक लड़ना है, सच में वो ये चीज करते हैं। और जैसे ही उनको आता है आवाज सुनाई देती है कि वहां पहुंच गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, तब वो कहीं जाके और शांत होते हैं कि चलो अब चाहे मैं मर भी जाऊं तो क्या। और आप सोच सकते हो कि मतलब अपने राजा को महल तक पहुंचाने के लिए इन सारे सैनिकों ने अपने प्राण का मतलब नहीं सोचा, उन्होंने प्राण अपने न्योछावर कर दिया अपने राजा के लिए। तो ये कितना बड़ा मतलब एक उदाहरण है अपने स्वामी के लिए भक्ति का, जितने देश बड़े, के लिए भक्ति का। जितने बड़े राजा छत्रपति शिवाजी महाराज हुए उतने ही बड़े राजे भक्त, उनकी पूरी सेना उनके साथ काम करने वाले। सच में ये मूवी देख के बहुत प्राउड भी फील हो रहा है और कि इस तरह के योद्धा मतलब हुए हैं ये। इतना हद तक नहीं पता रहता, ठीक है हिस्ट्री में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा, और भी मतलब उनकी तरह काफी सारे जैसे जो अग्निया का कैरेक्टर किया है वो भी, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स छोटे 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 जो उनके रोल है या फिर मतलब जिस तरह से उन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए वो सारी स्टोरीज पता चल रही है, तो ये बहुत ही प्राउड फील करवाती है। तो गाइस और ये पूरी मूवी हमें काफी अच्छी लगी, ये सीन हमें काफी अच्छा लगा, और यहाँ पे वैसे ये पावन किंग मूवी एंड हो जाती है। और अब देखते हैं हम अगली, आप हमें सजेशन देना कि अब हम अगली कौन सी मूवी सोच रहे हैं, आप हमें कमेंट कर देना तो हम जल्दी से उसके ऊपर भी रिएक्शन लेके आएंगे। और आपको इस सीन में से इस पूरी मूवी में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और हमसे मतलब छोटी सी कोई गलती हो गई हो थोड़ा समझने में करने में तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमें मतलब हम सबटाइटल से समझने की कोशिश करते हैं ये पूरी, क्योंकि मराठी हमें इतनी ज्यादा नहीं आती है, मतलब समझ आती है बट कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा टफ रहते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। तो बस यही कहना था, और बाकी अभी करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल को ये बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।